एनएसयूआई ने किया विश्वविद्यालय कुलपति का घेराव। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए रीवा में एनएसयूआई प्रदेश सचिव अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में ऑनलाइन या ओपन बुक प्रणाली से परीक्षा आयोजित कराने की मांग की गई है। आपको बता दें कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंप कर मांग रखी है कि प्रदेश में कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन का प्रभाव बढ़ रहा है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है कि जान है तो जहान है, जिसको लेकर हम सब की यही मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जो भी परीक्षाएं आयोजित करवाने की तिथि घोषित की है, छात्र उसके विरोध में हैं, क्योंकि प्रदेश के अन्य बड़े विश्वविद्यालय जैसे राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षा करवा रहा है और बरकतुल्ला विश्वविद्यालय ने परीक्षा स्थगित कर दी है, जिसको लेकर हम सब यही चाहते हैं कि ऑनलाइन या ओपन बुक प्रणाली से परीक्षाएं आयोजित कराई जाएं। आइए सुनते हैं एनएसयूआई के प्रदेश सचिव अभिषेक तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। लगातार एक नए वेरिएंट कोरोना के नए वेरिएंट का प्रभाव बढ़ रहा है, तेजी से इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश के गृह मंत्री ने भी कहा जान है तो जहान है। प्रदेश की विश्वविद्यालय आरजीबीवी टेक्निकल सबसे बड़ी विश्वविद्यालय है, उसने परीक्षा कैंसिल कर ऑनलाइन पेपर कराने की बात कही है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय ने भी पेपर स्थगित कर दिए हैं। तेज प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा की जो यूनिवर्सिटी है वो टाइम टेबल घोषित करी, 4 तारीख से परीक्षाएं आयोजित करानी है। छात्र उसके विरोध में हैं, छात्रों से हमने बात करी, छात्र लगातार इसकी आपत्ति जताई। आज सैकड़ों साथियों के साथ हम लोगों ने कुलपति ऑफिस को घिराव कर नारेबाजी कर मांग रखी है कि पेपर पहले तो स्थगित कर दिए जाए, फिर उसके बाद ओपन बुक या ऑनलाइन प्रणाली से पेपर कराए जाए। जैसा कि अभी सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन और उच्च शिक्षा मंत्री ने अभी कहा है कि पेपर ऑफलाइन ही होगी। दूसरी बात, चुनाव टाल दिए। गृह मंत्री जी बोल रहे हैं कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, जान है तो जहान है, तो क्या हम बच्चों की जान फ्री में मिलती है? तो हम चाहते हैं कि ऑनलाइन पेपर हो या कि ओपन बुक सिस्टम से परीक्षा कराई जाए। क्या आश्वासन मिला आज? कुछ मिला आश्वासन? मिला कि हम अपनी टीम के साथ बैठक करके इस पर चर्चा करेंगे, आपकी जो मांगे उस पर विचार विमर्श करके आपको एक पत्र देंगे। हमने समय दिया है कि 5 दिवस के अंदर अगर इसको हमारी मांगे मानी जाए, ये विश्वविद्यालय को बंद करके आगे का आंदोलन जारी रखा।